धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है। धीरेंद्र के समर्थन में कई हिंदू संगठन उतरे हैं, जंतर मंतर पर भारी तादाद में पहुंचे हैं साधु संत। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। धीरेंद्र के समर्थन में कई हिंदू संगठन उतर आए हैं। आपको बता दें, काफी तादाद में जंतर मंतर पर साधुओं का संतों का जमावड़ा लगा है। जंतर मंतर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई हिंदू संगठन यहां पर पहुंचे हैं। धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है। बागेश्वर के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर में संत समाज जुटा है और सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ महामंडलेश्वर स्वामी हरि जी महाराज है। स्वामी जी, सनातन धर्म संसद की जरूरत क्यों? सनातन धर्म स्वयं में संसद है, क्योंकि सनातन धर्म के माध्यम धर्म वहाँ संसद में क्या लिखा है, धर्म चक्र बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पीछे धर्म चक्र बना हुआ है, तो ये धर्म चक्र सनातन धर्म का ही है। और सनातन धर्म का जो विरोध करने वाले हैं वो देश के रहने वाले नहीं है। और जो हमारे हिंदू समाज का परिवर्तन करते हैं, ईसाई मुसलमान बनाते हैं, और जो ईसाई मुसलमानों के वोट से जीतना चाहते हैं, वो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों का, सनातन धर्म के समाज का, हमारी बहु बेटी का, हमारे हिंदू मान बिंदुओं का, गोरक्षा का, ये विरोध करने वाले ऐसे राष्ट्रद्रोही हैं, उनको जेल में डालना है। जब चमत्कार और बात आती है अंधविश्वास की, आस्था की या चमत्कार की, तो फिर हिंदू विरोधी क्यों हो जाए? भक्ति है, तंत्र शक्ति है, भक्ति और तंत्र शक्ति है, या चमत्कार नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई धोखा नहीं है। लेकिन आप संत लोग हैं, आपकी जो वाणी है वो बेहद मधुर है, लेकिन जब बाबा बोलते हैं तो आक्रामक बोलते नहीं? बिल्कुल आक्रामक हम, अरे देश में रहना होगा तो श्री राम कहना होगा, नहीं तो इस देश से जाना होगा। सीधी सी बात है, नहीं तो यहाँ पर एक एक व्यक्ति को ठीक किया जाएगा, हिंदुस्तान बनाया जाएगा, हिंदू समाज है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू साथ रहेगा, हिंदू एकत्र होगा, एक है एक रहेगा। और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में जब बाबा बागेश्वर ने डुबकी लगाई और उसके बाद दरबार लगा, तो एक बार फिर उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। बाबा के बोल जरूर आलोचना से भरे हो सकते हैं, लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आस्था और अंधविश्वास की जो ये लड़ाई है, अब वो हिंदू राष्ट्र तक पहुँच चुकी है। कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली।